ये बिजली के बगैर कैसे चल सकती है एक कस्टमर बाजार से इसको खरीद लेगा तो इसको इंस्टॉल किस तरह करेगा वो इनलेट और आउटलेट का थोड़ा सा बता दें वो तो किस तरह सेवेंटी की बाइक की बैटरी होती है उससे ये चलने की कितनी हम पेयर लेती है क्योंकि आम जो मोटर है उसका काफी ज्यादा लोड होता है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है इस पानी का जो प्रेशर होता है वो इतना है कि ये तीसरी मंजिल तक पानी लेके जाएगा तीन फ्लोर भी आपके चार फ्लोर पे भी जाए तो इसकी प्राइस क्या है असलम नाजिन पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ में हूं आपका मेजबान फैज़ान आसिफ नाजिन आज भी घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है एसी उसमें दूसरे नंबर पर है क्योंकि मौसम सरमा हो या गर्मा जो दोनों मौसम में एक चीज़ ज़्यादा चलती है और उसकी वजह से बिल भी ज़्यादा आता है वो है पानी की मोटर लेकिन आज मैं आपकी ये परेशानी दूर करने जा रहा हूँ वो इस तरह से कि ये एक ऐसी मोटर है जो बगैर बिजली के जरिए चलेगी और इसके बाद आपका जो बिल है वो बहुत कम होगा अब ये चलेगी कैसे मेरे साथ तलहा भाई मौजूद है वो बताएंगे कि सर ये बिजली के बगैर कैसे चल सकती है सबसे पहले तो सर इसकी जो ना खासियत ये है कि आप अपने घर में सिर्फ एक पैनल यहाँ एक छोटी सी बैटरी भी आप जो है ना आम घर में आपको जैसे कि लाइटिंग के लिए यूज करते हैं कोई काफी कस्टमर सेवेंटी की बाइक की बैटरी होती है उससे ये चल जाएगी चलती है जाहिर बात है लेकिन उसमें ये थोड़ा सा जो है ना इसमें बैक ये होता है है कि इसका बैकअप कम हो जाता है। अच्छा। तो जितनी आपके बैकअप बैटरी ज्यादा देगी तो ये पंप उ, उतना ही आपका ज्यादा काम करेगा पहले इसके पंप की बात करते हैं मतलब ये एक खाली मोटर है जब एक कस्टमर बाजार से इसको खरीद लेगा तो इसको इंस्टॉल किस तरह करेगा वो हमारे कस्टमर है जिनके पास ये डिमांड होती है कि हमारे जो है ना बोर्ड

तो उसमें ये नाली लगती है ठीक है तो जब आपका प्रेशर जैसे कि टैंकी में या छिड़काव के लिए या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें जो है ना इसका आउटपुट जो डिलीवरी बोलते हैं ना इसको ये डिलीवरी वॉल होते हैं यहाँ से पानी इसका बाहर आता है तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कितनी हम पेड़ लेती है क्योंकि आम जो मोटर है उसका काफ़ी ज़्यादा लोड होता है स्टार्टिंग में ये डीसी और एसी सी में ना करंट में ना काफ़ी डिफरेंस होता है और लोग की थिंकिंग है कि एसी में तीन हम और डीसी में तीन एम्पेयर बराबर हैं लेकिन इस तरह नहीं है बिजली के एम्पेयर काफ़ी बड़े होते हैं ये लेकिन डीसी के एम्पेयर ज़्यादा लो होते हैं है। तो इसमें जब ये स्टार्टिंग इसके एम्पेयर होते हैं ना ये तकरीबन तो दस एम्पेयर से स्टार्टिंग करती है तो बाकी उसके हिसाब से लोड होता है जितना इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे इसके अंपेयर बढ़ेंगे इसको चलाने के लिए हमें सोलर पैनल कितने मतलब दरकार होंगे बेसिकली बेस्ट जो इसका मतलब कि रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो पैनल लेने पड़ेंगे डेढ़ सौ वार्ड वाले जो है मार्केट से इजीली मिलते हैं वो कैज है और इसके साथ हमें मतलब वो तो दिन के टाइम यूज होंगे और अगर हमने रात के टाइम अगर मोटर चलानी है तो वो किस तरह चलाई जा सकती है दो पैनल के साथ अगर आप बैटरी अटैच करते हैं तो उसमें ये आपका बैकअप क्या है कि ये आपका पैनल जो है वो बैटरी चार्ज करेंगे और बैटरी बेसिकली आप बैटरी दिन के टाइम भी यूज कर सकते हैं और रात को जब आपकी मतलब के पैनल की मतलब कि चार्जिंग की करने की कम हो रही है तो ये बैटरी के ऊपर आटोमेटिकली आम जो है। मोटर होती हैं जो बिजली पे चलती हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि काफ़ी अर्से बाद उनके बेरिंग ख़राब हो जाते हैं या कुछ इस तरह का मसला आ जाता है तो क्या इसमें भी वही मसाइल हैं इसमें कुछ इतना ज़्यादा खासा मतलब कि नहीं जैसे उसकी वो हैंड पम्प और डोंकी पम्प होते थे उनकी बैरिंग चीज होगी ये ये वो बैरिंग का कोई इशू नहीं होता इसमें ज़्यादा भी ला ना करे कभी खराब हो लेकिन जब भी होगा तो इसका 250 मतलब तीन सौ रुपये तक का इसका वरम आता है वो सिर्फ़ ये तीन नट खोलने से वो आप घर में इजीली खुद भी इंसान कर सकते हैं मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें खराब तो नहीं इसमें अलावा आपके लिए इसमें कुछ ख़राब होने वाला है ही नहीं अच्छा एक चीज मुझे ये भी बताएं कि जो ज्यादा मंजिला इमारत होती है उसमें ज्यादातर इंस्टॉल किए जाते हैं वो डोंकी पम्प इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें भी सोलर टेक्नोलॉजी आ गई है कि नहीं अभी आपने देखा होगा उसके डोंकी पम्प के ऊपर मोटर लगी होती है ना तो सेम उसको सिर्फ मोटर को खोल के आपने नीचे रखना है और उसी की जगह आपको मोटर नहीं दे दी जाएगी कोई जो पैनल से चलेगी आपकी हाँ। और ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है इस मार्केट में बिल्कुल जी हर मार्केट में अलहमदिल्ला अब तक पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है इसकी तो ये आपको ईजिली मिल सकते हैं जहाँ से आप पानी का जो प्रेशर होता है वो इतना है कि ये तीसरी मंजिल तक पानी लेके जाएगा प्रॉपर अगर करंट मिलता रहता है तो इसका तीन फ्लोर भी आपके चार फ्लोर पे भी जा सकता अच्छा है अच्छा ये ये सबसे छोटा छोटा साइज है 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 या इससे भी है? ये बिल्कुल जो है ना जीरो पचहत्तर का हैवी है, 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 ड्यूटी प्रेशर पंप होता है जो आपके मतलब कि ये प्रेशर पंप होते हैं ना उनमें यूज होता है लेकिन मॉडल कितने हैं आम जो है ना इसमें मॉडल तकरीबन चार से पांच मॉडल आते हैं लेकिन कैजुअली जो आपके हर घर में यूज होते हैं वो जीरो सैंतीस का मॉडल होता है वो यही वाला है वो यही मॉडल है तो इसकी प्राइस क्या है इसकी प्राइस आपको मार्केट से तो परचेजिंग हमारी मतलब कि अलग है लेकिन आपको कैजुअली तकरीबन 45 में मिल जाएगा चार हज़ार पाँच सौ रुपये तक की रेंगे पैंतालीस सौ में आपको आप अगर पैंतालीस अगर आप खर्च करते हैं तो आपको सारी जिंदगी का सुकून है क्योंकि ये लगाने के बाद आपको बिजली का बिल जो है वो इससे जान छोड़ जाएगी कि पानी का मोटर जो है वो बिजली आपकी नहीं लेगी तो मुझे दीजिए इजाजत तलाफ़